Everyone, today I'll discuss about law of parallelogram, and also we can say parallelogram law of vector addition, and it is equivalent to the triangle law of vector addition. So before that we will discuss about addition of two vectors. I'll discuss about this, but first of all we will discuss about addition of two vectors. So you can see here we have two vectors like this. Vector A is going in this direction and vector B is going in this direction. मतलब दो वेक्टर यहाँ पे है जो दोनों different different direction में move कर रहे हैं. Then how to add both of them? I mean both the vectors. तो यहाँ पे actually हम लोग को head tail method apply करना पड़ता है. Head tail method, इसको add करने के लिए head tail method apply किया जाता है. तो head tail method का मतलब है कि पहला वेक्टर का head और दूसरा वेक्टर का tail एक जगह पे ऐड करना होता है. जैसे लाइक दिस, यदि वेक्टर ए हमारा कुछ इस तरीके से है तो उसका इसका देखो बी का टेल टेल यहाँ पे है, तो हेड और टेल दोनों मीट होना चाहिए. इसका हेड है तो दूसरा का क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए. और जिस पार्टिकुलर डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको वहाँ पर रखना होता है. जैसे इसको देखो, ये ए वैक्टर ए जो है सो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ देखो वही डायरेक्शन में रखें. वैक्टर बी उधर है तो वैक्टर बी को भी उधर रखें. तो ये चीज़ हो गया. तो दो वैक्टर हमको यहाँ पर मिल गया, वैक्टर ए एंड वैक्टर बी. और उसके बाद आप देख सकते हो कि दोनों जो है सो एक ही डायरेक्शन में कुछ इस टाइप से आपको मिला. डायरेक्शन तो एक नहीं है, मतलब कुछ इस टाइप से देख सकते हो कि एक इधर गए हम लोग और इसी डायरेक्शन में इधर चले गए. डायरेक्शन तो डिफरेंट हो गया बट हमारा कुछ इस तरीके से चल रहा है ना, क्लॉक वाइज. बट अब जो ये दोनों वैक्टर को एड करना है तो आपको देखना होता है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. दिस वन इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ बोथ द टू वैक्टर्स. और क्या करना है आपको, इनिशियल से फाइनल एक वैक्टर को मिला देना है. दैट वन इज द रिजल्टेंट वैक्टर. मतलब आपका जितना भी इसका साइज होगा उसे मतलब नहीं हम लोग को, बट इसको आपको क्या करना है कि मान लो दो वैक्टर है, एक वैक्टर ये हो गया और दूसरा वैक्टर था कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एडजस्ट किए, तो आपको क्या करना है कि ये फाइनल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, इसको डायरेक्ट आप एक वैक्टर के साथ ऐड कर दो ऐसे. तो ए वैक्टर ए है, दूसरा वैक्टर बी है, और ये मेरा क्या मिलेगा, रिजल्टेंट. मतलब ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मिलने वाला है दैट वन इज द रिजल्टेंट. तो हम लोग कुछ इस तरीके से ऐड करते हैं. तो देखो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा, मतलब यदि ये दोनों क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक है, तो ये क्लॉक वाइज आपको मिलेगा. देखो ये इधर से जा रहा है ना, इससे आ रहा है देखो इससे, और ये क्या है, एंटी क्लॉक वाइज. मतलब उसका डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है, उसका जस्ट मतलब अपोजिट होता है. तो हम लोग एक्चुअली क्या है, इनिशियल टू फाइनल इसको मिलाते हैं. तो यहाँ पर यदि मैं रिजल्टेंट की बात करूँ, देखो रिजल्ट तो ऐड ही करना है ना, तो दिस वन रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. चलो अब दूसरा समझते हैं उसी तरीके से. दो अगला क्वेश्चन है हमारे पास. देखो ए इधर है बैक साइड, तो ए यदि इधर है तो हम उसको उसी तरीके से रखना पड़ेगा आपको. दिस वन ए है ना, ए इज वेक्टर, और बी वेक्टर किधर है, इधर गया, तो हमको हेड के पास ही मिलाना पड़ेगा. तो ये इसका हेड हो गया पहला का, तो दूसरा का टेल जो है सो हेड से मिलाना है आपको. उसका डायरेक्शन देखो इधर है ऐसे, तो ऐसे ही यहाँ पर एडजस्ट करना है आपको. ये देखो ऐसे एडजस्ट कर दिए. अब क्या करना है आपको, इनिशियल पॉइंट और दिस वन इज द फाइनल पॉइंट ना, आपको मिला दो ये दोनों, क्या करना है ऐसे मीट कर दो. ये मिला, मिल गया क्या चीज़, रिजल्टेंट. तो यहाँ पे ये वाला वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर क्या है, बी है. अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट हमको क्या मिलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. दैट्स ऑल. ऐसे ही हम लोग ऐड करते हैं, इसमें कुछ इस तरीके से ऐड किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में यदि मैं देखूँ कि एक चीज़ और समझो कि मैं यदि यहाँ पे बात करूँ कि पहले वेक्टर बी होता और उसके बाद ए होता तब क्या फंडा आता. यदि पहले बी को लेते, मतलब फर्स्ट वेक्टर ये वाला और सेकंड वेक्टर ये वाला होता, तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे किस तरीके से हम लोग ऐड करते. तो वैसे कंडीशन में आप देख सकते हो हम उसी तरह से लेते हैं. पहले हम लेते हैं इसको वन, इसी को मानते हैं. तो इसको यदि मैं पहला वन मानूंगा तो ऐसे कंडीशन में पहले बी को रखना पड़ेगा ऐसे. ये रहा हमारा बी, ऐसे डायरेक्शन में देखो, इसी डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में रख लिए हम लोग बी वेक्टर. ठीक है, उसके बाद इसको लेना है. तो इसका हेड के, मतलब ये इसका हेड ये वाला है, ये हेड हो गया, तो इसको अब क्या करना है, हेड का इसका टेल मिलना चाहिए उसके पास, हेड के पास सेकंड वाला का टेल. तो ये देखो इसका डायरेक्शन किधर, इधर है ना, तो इसको ऐसे लेना पड़ेगा. ये देखो ऐसे, ये हमारा कौन सा हो गया, वेक्टर ए. उल्टा जस्ट ले रहे हैं, पहले हम बी को ले रहे हैं तब देन ए को ले रहे हैं. अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, यहाँ से इनिशियल टू फाइनल ऐसे. तो दिस वन रिजल्ट विल बी, ये जो हमारा रिजल्टेंट फैक्टर होगा वो हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. जस्ट अपोजिट आ गया ना, बी प्लस ए, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल रहा है, बी प्लस ए. यहाँ पे मिला वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या मिला, बी प्लस ए वेक्टर.
यदि हम इसको पहले रखें तो ए प्लस बी मिला, बट इसको और इसको, इसको फर्स्ट इसको सेकंड किए तो जस्ट अपोजिट किए तो हमको बी प्लस ए मिल रहा है। मतलब दिस वन इज द, ये कौन सा लॉ आता है हमारा, कम्यूटेटिव लॉ। मतलब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ, दिस वन इज द कम्यूटेटिव लॉ। मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, दिस वन एडिशन फॉलो इज द कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब हम थोड़ा तीन वेक्टर की बात करते हैं, वो दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर लिए, अब टोटल थ्री वेक्टर लेके देखते हैं तो क्या होता है। यदि थ्री वेक्टर देखें तो देखो वेक्टर ए यहाँ पे है, वेक्टर बी है, और उसके बाद वेक्टर सी है। इन तीनों को हम लोग, हमको ऐड करना है यहाँ पे। तो यदि मैं तीनों को यहाँ पे ऐड करूँगा तो देखो जैसे जैसे रखा हुआ वैसे वैसे रखना है आपको यहाँ पे। तो देखो ए वेक्टर है कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे रख दिए इस तरीके से। दूसरा देखो बी है, तो इसका हेड के साथ ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ये देखो ऐसे आएगा, सॉरी ये इधर गया डाउन, ये ऐसे गया थोड़ा सा, थोड़ा इधर और होता है इधर कहीं चलेगा। और सी कहाँ पे है, सी फिर इसके हेड के साथ जुड़ना पड़ेगा ऐसे। देखो तीनों जुड़ गया हमारा। तो दिस वन वेक्टर इज ए, दिस वन वेक्टर इज ए, दिस वन वेक्टर इज बी, एंड दिस वन इज द सी। तो यदि तीन वेक्टर हो तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, दो दो वेक्टर के साथ आपको एडिशन करना पड़ेगा। बट आप चाहो तो सबसे पहले इसको ऐड कर लो, ये सबसे पहले एडिशन होगा इसका, फाइनल टू इनिशियल टू फाइनल ये वाला। तो आपको जो यहाँ पे रिजल्टेंट मिलने वाला है, ये रिजल्ट मिलेगा आपको ए प्लस बी प्लस सी, दिस वन ये मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे मिलने वाला है। और यदि मैं दो दो करके ऐड करूँ ए प्लस बी करके, तो देखो सबसे पहले मैं इसको ऐड करता हूँ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से जाता हमारा वेक्टर, यहाँ से यहाँ जाता कुछ इस तरीके से, तो ये हमको क्या मिलता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये चीज़ मिलता। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बी टू सी ऐड करता तो यहाँ से इनिशियल होता ये फाइनल होता, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से लाइन जाता ये, तो ये जो लाइन है हमको मिलता बी प्लस सी इस तरीके से। तो एक्चुअली ये बताना यहाँ पे क्या चाह रहे हैं हम आपको, कि ये जो ए प्लस बी प्लस सी है इसको कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, ए प्लस बी प्लस सी दिस वन, मतलब बी प्लस सी आ रहा था यहाँ पे आया, तो ए के साथ देखो ए के साथ ए वाला लाइन मिल रहा है ना। तो आप देखो इसको समझना थोड़ा सा, ए वाला लाइन जो है सो क्या है बी प्लस सी, और ये वाला क्या है ए है, तो इसको और इसको यदि ऐड करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ये वाला फॉर्म मिल जाएगा इज इक्वल्स टू। और दूसरा देखो यदि मैं बात करूँ, ये तो ये वाला ए प्लस बी है, देखो ए प्लस बी, और मतलब यहाँ पे देखो ए, ए हमारा क्या है ए वेक्टर, ये तो समझ गए आप। दूसरा देखो हमको ऐड करना है ए प्लस बी, कहाँ पे दिख रहा है आपको ए प्लस बी हमारा ये वाला है, दिस वन इज द ए प्लस बी, ये वाला ए प्लस बी है, और इसमें सी कौन सा है, सी ये वाला है, देखो ये वाला सी है। तो ये दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इसके बाद मिलेगा ए प्लस बी एक साथ है ना, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी एक साथ में लिख दिए कुछ इस तरीके से, और अलग कौन सा है सी है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब ये क्या समझ में आ रहा है आपको, कि ये पहले ब्रैकेट के अंदर नहीं था, अब ब्रैकेट के अंदर है, फिर सी बाहर आ गया, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब तीन वेक्टर रहेगा तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है एडिशन में सिर्फ। ठीक है, तो एडिशन में ये सब पॉसिबल है बट सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ एडिशन में, वेक्टर एडिशन में हमारा कम्यूटेटिव लॉ भी पॉसिबल है और एसोसिएटिव लॉ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। नाउ अब सब्ट्रैक्शन की बात मैं करूँ तो उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा बात कर लेता हूँ, कि मान लो दो वेक्टर है हमारे पास, और एक वेक्टर इधर जा रहा है राइट साइड, और दूसरा वेक्टर लेफ्ट साइड जा रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मैग्नीट्यूड मान लो 10 है, 10 न्यूटन, इसका भी 10 न्यूटन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, एक का पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव। तो 100% जब दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, और इस जीरो को बोला जाता है नल वेक्टर, जीरो को बोला जाता है यहाँ पे नल वेक्टर। ओके, तो और भी एक कंडीशन है कि वेन मल्टीप्लाई अ नल वेक्टर विथ अनदर अनदर वेक्टर देन रिजल्ट विल बी नल वेक्टर। मतलब मान लो कि हमारे पास वेक्टर ए है, इसके साथ तुम कोई भी ये नल वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो 100% आपको रिजल्ट क्या देगा, नल वेक्टर ही देगा, मतलब जीरो ही देगा आपको। तो जीरो नल वेक्टर को, नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर को आप किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो आपको 100% क्या रिजल्ट देगा, वो जीरो वेक्टर ही देगा। ठीक है, अब थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन पे, कि इसका सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाए। तो देखो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को समझना बहुत आसान है, इसको भी देखो किस तरीके से समझा जा सकता है। यदि मैं एडिशन की बात करूं यहाँ पे, तो एडिशन तो समझ गया बहुत अच्छे से। तो देखो यहाँ पे वेक्टर ए है, फिर वेक्टर बी है, और इसी वेक्टर बी को हम यदि अपोजिट कर दें इधर,
इधर तो क्या मिलेगा, माइनस बी मिलेगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में, तो इसी को अपोजिट डायरेक्शन में करें तो क्या मिलेगा, माइनस बी। तो मैं सबसे पहले ऐड करता हूँ इसको। तो देखो वेक्टर ए कुछ इस तरीके से गया, दिस वन इज द वेक्टर ए। इसके बाद ये वेक्टर बी कुछ इस तरीके से आएगा, ये रहा हमारा वेक्टर बी, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट, इसी पॉइंट पे यदि मैं बात करूँ इसका जस्ट अपोजिट, तो अपोजिट क्या है मेरा, माइनस बी। घटाएं इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ इधर जाएगा मेरा, तो दिस वन इज द माइनस बी। तो यदि मैं सिर्फ सबसे पहले इन दोनों को ऐड करूँ, ए को और माइनस बी को ऐड करूँ, तो कुछ इनिशियल टू फाइनल ये जाएगा, तो ए जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, दिस वन ये दिखाना पड़ेगा। तो ए आपको रिजल्ट मिलेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कुछ इस तरीके से। और यदि ऐड करूँ इसको ए और बी, मतलब इधर देखना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है पॉजिटिव, तो ये हमको क्या मिलेगा, ए प्लस बी वेक्टर। दोनों आर है, ए भी आर, ए भी रिजल्टेंट, दोनों रिजल्टेंट हमको मिल रहा है। मतलब कंडीशन क्या है ना कि आपको मान लो दो वेक्टर दिया हुआ है कुछ, ये एक और इधर वेक्टर दिया हुआ है, इसका नाम ए है इसका नाम बी है, दो वेक्टर है। तो यदि ये तो एडिशन करेंगे तो इधर जाएगा हमारा, ए प्लस बी मिल जाएगा हमको यहाँ पे, बट वही चीज़ सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो इसको पीछे से लेना पड़ेगा ऐसे डाउन, तो ये क्या मिलेगा, माइनस बी कुछ इस तरीके से। फिर इसको ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा ए माइनस बी वेक्टर। तो ये फंडा है हमारा सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमको जाना होता है, ठीक है। तो हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हेन टू वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, देन वी कैन राइट पैरेलोग्राम मेथड। देखो वी कैन यूज पैरेलोग्राम मेथड, मतलब एक ही पॉइंट से यदि इनिशिएट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, दो वेक्टर हम लोग इसको को इनिशियल बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। कि व्हेन ऑल द वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंगल पॉइंट, यदि एक सिंगल पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग किस तरीके से इसको ऐड करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड मतलब क्या है कि पहला वेक्टर का हेड दूसरा वेक्टर का टेल लेंगे तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। बट ऐसा कंडीशन यहाँ पे डाल दिया है कि यदि मैं बात करूँ कि दो वेक्टर है जो एक ही पॉइंट से दोनों इनिशिएट हो रहा है, दोनों एक ही जगह से निकल रहा है, तो वैसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ को, पैरेललोग्राम मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। वो किस तरीके से, वो समझो, यहाँ पे मैं यदि यहाँ पे बात करूँ कि ये बी वेक्टर है, तो इसको एक लाइन यहाँ पे ले लेते हैं, हम खुद से मान लेते हैं कि एक रिजल्टेंट है यहाँ पे इस तरीके से। तो क्या मैं इस तरीके से डॉटेड लाइन से एक यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करूँ कि बी है तो ये भी यहाँ पे बी के बराबर होगा, ये यदि ऐसे डॉटेड लाइन से इधर मिला दूँ, ये है तो ये भी 100% क्या मिलेगा, ए मिलेगा, मतलब लाइक दिस ऐसे। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट। मतलब एक हम सपोज कर लिए कि इसका बीच में कहीं रिजल्टेंट है, ऐसे सोच आपको खुद से सोचना है कि दोनों दो वेक्टर कुछ इस तरीके से, तो हमेशा रिजल्टेंट बीच से लिया जाता है। तो बीच से लिए तो इसको ये हो गया हमारा। तो देखो इसमें दो तरीके से हमको फाइंड किया जा सकता है, मतलब दो तरीके से यहाँ से इसको हम ऐड कर सकते हैं। एक तरीका किधर से होगा, देखो वेक्टर ए इधर से गया, इसको भी तो बी वेक्टर मानेंगे, तो ए कुछ इधर गया ऐसे ऐसे गया, तो ए हमारा रिजल्टेंट हो गया। मतलब इधर से क्या मिलेगा, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। और यदि मैं इधर से जाऊं बी, उसके बाद ए वाला ए है तो ये भी क्या मिलेगा, ए, मतलब यहाँ पे हमको आर क्या मिलने वाला है, बी प्लस ए, ठीक है। मतलब ये पैरेललोग्राम मेथड हमको क्या दे रहा है, कम्यूटेटिव लॉ दे रहा है, कम्यूटेटिव लॉ। और इसको ऐड करने का तरीका ये कि बीच से तुम लाइन खींचो और कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम मेथड से इसको ऐड किया जाता है। उधर तो ट्रायंगल मेथड से ऐड हो रहा था, बट यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, पैरेललोग्राम मेथड। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल दिख रहा है, दिस वन फर्स्ट ट्रायंगल, दिस वन सेकंड ट्रायंगल, और दोनों से रिजल्ट तो हमको एक ही मिल रहा है, बी प्लस ए प्लस बी तो सेम होगा ना, यदि दोनों पॉजिटिव में है तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये सारा फंडा है इसको कैलकुलेट करने का, एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं वो भी समझ में आ गया। तो अब हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अभी तो सारा चीज़ जो भी हो रहा था सारा वेक्टर में हो रहा था, मतलब जितना भी एडिशन वगैरह कर रहे थे सब किस में ऐड हो रहा था, वेक्टर में ही ऐड हो रहा था। बट अब बात करते हैं कि रिजल्टेंट का हम मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करें, हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो उसके लिए देखो फंडा क्या है, तो अब आते हैं उसके लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो ही वेक्टर का यहाँ पे भी फंडा है वही वाला। देखो कुछ इस तरीके से हमारा ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर गया, ठीक है। बीच में हम क्या किए हैं, कुछ इस तरीके से लाइन लिए, तो इसको क्या बना दिया, पैरेललोग्राम बन गया ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो ये हमको रिजल्ट क्या देगा, ए प्लस बी देगा। खैर हमको इसको यहाँ पे लिखने का भी जरूरत नहीं है, हम जान रहे हैं कि आर वेक्टर जो हमको यहाँ पे मिलने वाला है, रिजल्टेंट वेक्टर, आर फॉर रिजल्टेंट, आर वेक्टर जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, ए प्लस बी ही मिलने वाला है। बिकॉज ए बी है तो ये भी क्या मिलेगा हमको, बी मिलेगा, ए है ए तो ये भी क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है। तो ये फंडा है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझ गए, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल वेक्टर एडिशन वी कैन राइट इज हियर ए प्लस बी दिस वन,
ये चीज़ को तो हम लोग लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। और यदि मैं आर का मैग्नीट्यूड की बात करूँ सिर्फ डायरेक्टली, तो इसको आर लिखेंगे, और ए का मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो इसको ए लिखेंगे, और बी की मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो इसको क्या लिखेंगे, बी, कुछ इस तरीके से। और जब इसका मैग्नीट्यूड हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड पूरा ट्रायंगल के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो उस समय आपको सबका मैग्नीट्यूड ही लेना है, वहाँ पर वेक्टर फॉर्म में नहीं लेना होता है। तो देखो मैं थोड़ा सा इस लाइन को आगे बढ़ा रहा हूँ, ऐसे कुछ थोड़ा इस तरीके से बढ़ा रहे हैं, और यहाँ से मैं यदि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ इस पॉइंट से, ऐसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, ऐसे सीधा लाइन भी खींच सकते हैं, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है लेकिन आप समझना इसको ये चीज़। तो यहाँ से क्या आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री यहाँ पे ये है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ करने के पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, कि ये दो वेक्टर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो 100% ये भी कितना बनाएगा, थीटा ही बनाएगा, बिकॉज जितना पे ए बेंड किया है उतना ही पे ये ए भी लाइन बेंड बेंड यहाँ पे है, तो ये थीटा एंगल ए भी, थीटा एंगल ए भी होगा। ओके देखो एक लाइन है ऐसे ऐसे, तो ये भी थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो इस कंडीशन से हम लोग समझ सकते हैं कि दिस वन एंगल थीटा, देन ऑल्सो दिस दिस वन विल थीटा। अब मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ, मान लो कि दिस वन इज द पी, और इसको मान लेते हैं हम लोग पी क्यू आर एस मान लो। तो दिस वन पी, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, इसको चाहो तो आप एन मान लो, नॉर्मल मतलब इस पर परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं इसलिए एन यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले इस ट्रेंगल का, ये ट्रेंगल का आर क्यू एन का, तो इससे क्या पता चलेगा हमको कि ए वाला साइड मिल जाएगा हमको और ए वाला साइड मिल जाएगा हमको, दोनों कैलकुलेट करना है, तो उसके बाद देखना क्या फंडा है। तो सबसे पहले उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो नाउ फ्रॉम ट्रेंगल, अब हम लोग ट्रेंगल लेते हैं, नाउ ट्रेंगल कौन सा हो गया, क्यू आर एन, क्यू आर एन राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है। तो इसको लेना है, तो इसको यदि हम लेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों अप्लाई करो। तो साइन थीटा यदि हम यहाँ पे बात करें, साइन थीटा ट्रिगोनोमेट्री तो आप लोग जानते हैं, साइन थीटा की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा है, देखो परपेंडिकुलर हमारा हो गया कौन सा, आर एन, तो यहाँ पे आर एन लेंगे इसको हम लोग, आर एन ना, तो ए आर एन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आर एन हो गया, आर एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कौन सा हो गया हमारा, ए हाइपोटेनियस हो गया, ये ट्रेंगल दिख रहा है आपको ना, तो दिस वन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्यू आर, दिस वन विल बी क्यू आर। तो आर एन हमको तो कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय क्यू आर कितना है, बी, बी का मैग्नीट्यूड क्या है, देखो बी लिखना है डायरेक्ट, तो यहाँ पे हमको मिल गया बी, मतलब आर एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, आर एन इज इक्वल्स टू ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमको मिल जाएगा बी साइन थीटा, ये मिल गया आर एन, मतलब ए साइड हमको मिल गया, दिस वन यहाँ पे लिख सकते हो आप बी साइन थीटा, ये मिल गया बी साइन थीटा। अब नेक्स्ट हम लोग कॉस थीटा यूज़ करते हैं, साइन थीटा तो यूज कर चुके हैं, अब कॉस थीटा यूज़ करो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा क्या है यहाँ पे क्यू एन, और हाइपोटेनियस फिर वही से, तो यहाँ पे क्यू एन, यहाँ पे लिखेंगे क्यू एन डिवाइडेड बाय क्यू आर, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा हमारा, क्यू एन इज इक्वल्स टू हमारा रिजल्ट क्यू एन ही रहने देते हैं, डिवाइड बाय क्यू आर वही फिर बी, तो हमको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू एन इज इक्वल्स टू मिल जाएगा बी कॉस थीटा, ये चीज़ मिल गया, मतलब इसका भी वैल्यू हमको मिल चुका है, दिस वन वैल्यू इज बी कॉस थीटा, तो ये मिला बी साइन थीटा, ये मिल गया हमको क्या चीज़, बी कॉस थीटा, तो दोनों वैल्यू हमको मिल चुका है। अब यहाँ पे इस ट्रेंगल पे हम लोग बात करेंगे, एक्चुअली ये सब निकालने के पीछे बहुत कुछ हम यहाँ पे मेन देखो क्या फंडा है, क्यों हम इसको निकालें दोनों का साइड को, देखो ये ट्रेंगल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये देखो ये ऐसे गया आर तक, फिर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए 16 लाइन, और ये वाला बेस, इसको पूरा मैं बेस मान लूँ, तो यहाँ पे ट्रेंगल एक दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रेंगल पी एन आर है ना, पी आर एन बोलो या तो पी एन आर आपको दिख रहा होगा कि ट्रेंगल, उस ट्रेंगल को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस ट्रेंगल, तो यहाँ पे मैं बात करूँ ट्रेंगल पी एन आर ट्रेंगल से मैं बात करूँ, तो यहाँ पे एक्चुअली हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस तो आप जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्रेंगल में, देखो ये वाला पी, दिस वन पी एन आर है ना, पी एन आर यहाँ से ऐसे, ये ट्रेंगल दिस वन ट्रेंगल, तो इसका एंगल भी यदि मानो तो एंगल भी ले लेते हैं हम लोग कुछ, कि इस ये तो हमारा क्या है रिजल्टेंट ही है ना, दिस वन रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बन रहा है उसको मान लेते हैं अल्फा एंगल है,
ठीक है, अभी एंगल का मतलब नहीं है लेकिन फिर भी, तो और ये राइट एंगल ट्रायंगल है देख रहे हो आप यहाँ पे, तो पी एन आर में यदि हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करें तो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसी को भी ले लो, आर एन स्क्वायर, आर एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, या तो पी एन स्क्वायर ही पहले ले लो नो प्रॉब्लम, दिस वन पी एन स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, आर एन स्क्वायर ये चीज़ होगा। तो आप देखो यहाँ पे पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एन, पी एन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एन की जगह पे देखो पी टू एन यहाँ तक ना, तो यहाँ पे क्या है पी क्यू भी है, और ये मैं लिख सकता हूँ पी क्यू प्लस क्यू एन, तो इसको लिखेंगे पी एन को पी क्यू प्लस क्यू एन टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर प्लस आर एन का होल स्क्वायर, ये चीज़ ठीक है। अब फिर से एक स्टेप बढ़ाता हूँ, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस क्यू एन मतलब बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी टू इंटू पी क्यू ए वाला इंटू क्यू एन, क्यू एन दिस वन प्लस क्या है बचा ये वाला आर एन स्क्वायर, आर एन टू द पावर ऑफ स्क्वायर दिस वन, ठीक है। अब सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, तो पी आर का वैल्यू क्या है, रिजल्टेंट आर देख सकते हो आप यहाँ पे, पी आर का वैल्यू है रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेंगे तो क्या लेंगे आर, तो ये आर मिला हमको इज इक्वल्स टू पी क्यू के जगह पे क्या है मेरा, पी क्यू के जगह ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे मतलब ए स्क्वायर, और क्यू एन के जगह पे क्या है, क्यू एन के जगह पे है बी कॉस थीटा मतलब यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू, और पी क्यू के जगह पे क्या है ए, तो इसके जगह ए लेंगे, क्यू एन की जगह फिर क्या है बी कॉस थीटा मतलब यहाँ पे हो जाएगा बी कॉस थीटा दिस वन प्लस आर एन, आर एन की जगह क्या है बी साइन थीटा मतलब इसको लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इसलिए इसको लिखना पड़ा इस तरीके से। तो यहाँ पे एक्चुअली हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं इस ट्रेंगल से, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर हमारा जो यहाँ पे आ रहा है देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस इस बी स्क्वायर को यदि मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे देखो यहाँ भी बी स्क्वायर है और यहाँ भी बी स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी क्या बचा हमारा टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख दो टू ए बी कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है हमारा वैल्यू वन होता है, तो इसके जगह हमारा रिजल्ट क्या आएगा आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्योंकि ये तो वैल्यू वन हो गया प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फैक्टर, ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप माइंड में रखो, सिर्फ कॉस थीटा आपको मल्टीप्लाई कर देना है कहाँ पे टू ए बी के जगह पे, तो होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ तक तो दिख रहा है आपको, साथ में कॉस थीटा सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, आपको मैग्नीट्यूड मिल गया इसका, दो वेक्टर यदि एक पॉइंट सेम पॉइंट से इनिशिएट हो रहा था या फिर कहीं से भी हो रहा है, ट्रायंगल लॉ में भी यही अप्लाई होता है, ट्रायंगल लॉ में क्या होगा डायग्राम देखो, ट्रायंगल लॉ का भी मैं डायग्राम बता देता हूँ, थोड़ा सेम डायग्राम बनेगा, मान लो एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर इधर है, ये वेक्टर दो वेक्टर, तो इसका ये क्या मिलेगा रिजल्टेंट मिलेगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, देखो वही ट्रायंगल आ गया जो इस ट्रायंगल यहाँ पे ट्रायंगल तुमको दिख रहा है उसी ट्रायंगल को तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ऑल्सो कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं या फिर बोल सकते हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों सेम है लगभग लगभग, दोनों का इक्वेशन वगैरह सारा चीज़ सेम आता है, तो ये हमको मैग्नीट्यूड ऑफ आर मिल गया। अब यदि मैं यहाँ पे इसका डायरेक्शन की बात करूँ, डायरेक्शन डायरेक्शन मतलब एंगल हम बता चुके हैं आपको, तो यहाँ पे सबसे ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ना, चलो ठीक है मैग्नीट्यूड निकल गया, अब मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड किसका निकालें, आर का निकालें, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर है ना ये, अब हम लोग निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ आर, आर का डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो आर का यदि आपको डायरेक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करना है, टेन थीटा निकालते हैं हम लोग, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा मतलब वहाँ पे लेना पड़ेगा अल्फा, देखो हम यहाँ पे ऑलरेडी रिजल्टेंट के लिए अल्फा मान चुके हैं एंगल, तो ये अल्फा, तो ये अल्फा के सामने कौन सा है देखो ये हो गया परपेंडिकुलर ये हो गया बेस, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टेंथ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा होगा आर एन, तो यहाँ लिखेंगे आर एन डिवाइड बाई बेस कौन सा है बेस है हमारा पी एन, तो यहाँ पे लिखेंगे पी एन, ठीक है, तो आर एन डिवाइड बाई पी एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे पी एन की जगह पे हम लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू एन, पी क्यू प्लस क्यू एन यही चीज़ है आप देख सकते हो ये पी एन ना, तो पी क्यू प्लस क्यू एन,
तो पूरा लाइन मिल गया हमको ये चीज़। आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आर एन का वैल्यू हमारा यहाँ पे देख सकते हो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे बी साइन थीटा डिवाइड बाय पी क्यू का है ए और इसका है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो हमको मिल गया टेन अल्फा, मतलब अल्फा निकालना है एंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमको मिल गया डायरेक्शन, अल्फा मिल गया, मतलब कितना वेक्टर ए पे कितना एंगल पे हमारा ये रिजल्टेंट वेक्टर है वो आपको यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ मैं स्पेशल केस पे बात करता हूँ, कुछ स्पेशल केसेस, इसको रीड करने का क्या मतलब है उस केस पे बात करते हैं। तो टोटल थ्री केसेस पे मैं बात करूँगा, तो स्पेशल केसेस आप हेडिंग डाल दोगे स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। तो मैं केस वन की बात करता हूँ, तो केस वन, केस वन में क्या देखना है आपको, देखो केस वन में यदि मैं बात करूँ कि दो वेक्टर है, दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में यदि मूव करे, दोनों सेम डायरेक्शन में, वेक्टर वी, मतलब यहाँ पे तो आपको दिख रहा है वेक्टर ए इधर जा रहा है और वेक्टर वी इधर जा रहा है, बट यदि दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में मूव करेगा तो 100% दोनों पैरेलल हो गया, मतलब थीटा कितना हो गया यहाँ पे 0 डिग्री। यदि थीटा 0 डिग्री है तो आपका रिजल्टेंट कितना मिलेगा वहाँ पे, तो वो चीज़ कैलकुलेट करना, तो इसी इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमारा इक्वेशन क्या है, आर इज इक्वल्स टू, सॉरी आर स्क्वायर होगा यहाँ पे, सब जगह आर स्क्वायर होगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना तो आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos क्या है थीटा, और थीटा की जगह क्या पुट करना है आपको, 0 डिग्री पुट करना है। तो आपका आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, सो दिस वन विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिस वन, मतलब ये क्या आया ए प्लस बी टू द पावर ऑफ स्क्वायर मिला आपको यहाँ पे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू मिल जाएगा ए प्लस बी, रूट लगेगा ना इस पर, तो चाहो तो एक बार लिख लो ऐसे, इज इक्वल टू क्या मिला हमको ए प्लस बी, मतलब आर जो है सो ए प्लस बी के बराबर मिला, मतलब ऐसे कंडीशन में जो हमको रिजल्टेंट मिलने वाला है दिस वन विल बी मैक्सिमम, ए मैक्सिमम उस समय मिलेगा जब बोथ द वेक्टर्स आर गोइंग टू इन द सेम डायरेक्शन, देन वी कैन से देयर इन दैट केस दैट कंडीशंस रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम। थीटा जब 0 डिग्री होगा, दोनों पैरेलल पे होगा, उस समय हमारा जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन केस टू, केस टू में आप एंगल रखो, केस टू में थीटा यदि हम रखें यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री कब होगा, मतलब एक वेक्टर इधर जा रहा है दूसरा वेक्टर जस्ट उसके अपोजिट जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। तो ये फंडा है यहाँ पे, तो इसके लिए आपका आर जो मिलने वाला है वो आर मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस की जगह कितना पुट करना है 180 डिग्री, तो ये आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, सॉरी माइनस 2ab, इसलिए माइनस 2ab कर दिए क्योंकि कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है -1, तो -1 मतलब इसको माइनस कर दिया, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिला, मतलब ये किसका मिल गया फॉर्मूला, ए माइनस बी टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको ए माइनस बी। ये जो रिजल्टेंट आपको मिल रहा है इस केस में सब क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा आपको, मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फैक्टर ऐसे कंडीशन में। और एक केस थर्ड की मैं यदि बात करूँ, केस थर्ड 90 डिग्री पे, केस थर्ड मतलब दो वेक्टर, एक वेक्टर इधर जा रहा है तो एक वेक्टर इधर, मतलब एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री, यदि थीटा यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, और कॉस 90 का होता है वैल्यू 0, सो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये पूरा टर्म को क्या कर देगा 0, सो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आर इज इक्वल टू आपको ऐसे कंडीशन में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई केस नहीं है मैक्सिमम मिनिमम, ये बीचों बीच रहेगा, तो ये वैल्यू आएगा आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तीन केसेस हैं, ठीक है, ये तीनों केस को आपको माइंड में रखना है कि मैक्सिमम यदि रहा तो उसमें क्या करना है, ए प्लस बी दोनों ऐड कर दो डायरेक्ट, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट माइनस कर दो आप ए माइनस बी, और यदि 90 पे है तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यदि मैं एंगल की बात करूँ यहाँ पे एंगल की, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, यदि मैं 0 डिग्री के लिए बात कर रहा हूँ, 40 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आर इज इक्वल टेन इनवर्स क्या होता है बी साइन थीटा, मतलब साइन 0 होगा यहाँ पे, और ए प्लस बी कॉस
जीरो डिग्री। तो देखो यही ऊपर वाला जीरो आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स जीरो डिग्री जीरो आएगा यहाँ पे। और ऐसे कंडीशन में यहाँ पे होता है, ऐसे लिख सकते हो आप टेन इनवर्स, और इसका जीरो का वैल्यू होता है टेन जीरो डिग्री के लिए ही जीरो होता है, ये टेन जीरो डिग्री के लिए। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे ऐसे कंडीशन में, ये टेन जीरो, ये टेन मतलब कट जाएगा, मतलब जीरो डिग्री, मतलब आपका अल्फा जो है वो कितना डिग्री पे रहेगा उस समय, जीरो डिग्री रहेगा भी भाई। आप देख सकते हो कि मान लो एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर भी इधर ही जा रहा है, तो एंगल तो बनाएगा ही नहीं यहाँ पे, अल्फा बनेगा ही नहीं, क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं अल्फा कब बनता है, जब ये है एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो बीच में रिजल्ट नहीं, तो यहाँ पे अल्फा बन रहा है। अब इसका तो ए फंडा हो ही नहीं रहा है, ये दोनों जब क्या होगा, हेड टेल मेथड से राइट तो ऐड हो जाएगा इस तरीके से, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा हमको यहाँ पे मतलब अल्फा भी इसका क्या होगा रिजल्टेंट जो है इसी डायरेक्शन में रहेगा, सेम तीनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में अल्फा भी जीरो और थीटा भी जीरो मिलेगा दोनों कंडीशन में। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब 90 भी पुट करके देख लेना, 180 भी पुट करके देखना देख लेना, तो आपको सारा केस यहाँ पे पता चलेगा। सो दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ऑल्सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हम लोग इसका केसेस देखे कि दो वेक्टर जब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंगल किस तरीके से फाइंड करते हैं, किस तरीके से डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू आता है हमारे रिजल्टेंट का, किस तरीके से मिनिमम वैल्यू आता है रिजल्टेंट का इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।